अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो गुड मॉर्निंग, ये तकरीबन सुबह लेट यानी कि सुबह का टाइम है क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं, तो जो रूटीन है वो ज़रा थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अभी जो है मैं यानी कि सुबह जो हमने चाय वगैरह पी है, नाश्ता किया, लेकिन अभी थोड़ा सा यानी कि 12 बजे का टाइम होगा तकरीबन, तो मैं प्रॉपर जो नाश्ता है ना वो बना रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। अच्छा छुट्टियाँ होना तो सारी जो रूटीन है ना वो बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब हो जाती है या चेंज हो जाती है कह लें, तो एक तरफ से बंदा रिलैक्स होता है लेकिन दूसरी तरफ से काम जो है वो बढ़ जाते हैं। मेरे तो ख्याल से ऐसा ही है। आपको कैसा लगता है, मतलब अगर छुट्टियां हो जाए बच्चों की और तो मतलब आपको कैसी लगती है रूटीन, के कौन सी रूटीन सही होती है? तो मेरे तो ख्याल से जो स्कूल जाने की या वैसे रूटीन है ना, छुट्टियों में बस सारी रूटीन ख़राब हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, ऊपर से सर्दी है और दिन भी बहुत छोटे हैं तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि दिन कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अभी जो है मैं अभी मैंने यानी कि घर के जो है ना बाकी सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, मतलब सुबह के जो भी काम होते हैं, सफाइयाँ वगैरह, बर्तन, सारा घर मेरा क्लीन है। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैंने भी शावर ले लिया है, अलियान को भी मैंने नहला दिया, आज धूप निकली हुई थी काफ़ी अच्छी तो मैंने सोचा कि चलो फ़ायदा उठा लें। तो मैं इधर मूली के पराठे बना रही हूँ और बस दो ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हस्बैंड के लिए बनाऊँगी और अपने लिए मैं सादा पराठा बनाऊँगी। और अच्छा अक्सर ना मतलब सब लोग, ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ खाते हैं, मतलब मूली के पराठे हैं, साग के हैं, पालक के हैं, दाल के हैं, कीमे के हैं, मतलब डिफरेंट बहुत से लोग जो है ना मतलब खाते हैं, जिनको पसंद होते हैं, आई थिंक मेजॉरिटी को ही होंगे। तो लेकिन मुझे जो है ना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आलू का पराठा पसंद है, उसके अलावा मतलब मैं कोई भी पराठा जो है ना वो नहीं खा सकती, मतलब कोई भी इसके अंदर मतलब स्टफिंग वाला, मतलब कोई भी पराठा मैं नहीं खा सकती हूँ। असल में ना मुझे चीज़ों की जो मतलब कह लें पता नहीं अच्छी आदत है या बुरी है, अब ये मुझे नहीं पता, तो जो असली हालत है ना उसी में मतलब मैं उनको खाना पसंद करती हूँ। तो होता है ना बस हर एक की अपनी अपनी आदत होती है, तो जो मतलब किसी भी चीज़ की अपनी असल हालत है उसी में मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है और खाना अच्छा लगता है, बस इस तरह से ही है। यानी कि कुछ लोग जो है ना वो दूध में मतलब जैसे दूध में मैं चीनी डाल के नहीं पी सकती हूँ, मतलब सादा दूध मुझे पसंद है, इसी तरह दही में मैं चीनी नहीं डालती, या मैं अगर लस्सी पीती हूँ तो उसमें मैं चीनी नहीं डालूँगी, तो मुझे जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना मतलब वही अच्छा लगता है। और जैसे अक्सर लोग फ्रूट चाट में वो चाट सी बना के खाते हैं ना, जैसे ऊपर चाट मसाला और ऐसी नमक चीनी वगैरह कुछ डाल के, तो मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बस जो चीज़ जैसी होती है ना उसको वैसा ही खाना पसंद करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह से मतलब खाना पसंद है। वैसे करते हैं लोग मतलब ट्विस्ट चीज़ों में दे के नए नए एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन खाते हैं, लेकिन मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ, मतलब मुझे ना पता नहीं क्या शुरू से शायद आदत नहीं है, तो बस जिस तरह की चीज़ हो उसी को मैंने उसको उसी तरह ही खाना है। कुछ चीज़ें हैं मतलब खाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी जो चीज़ें हैं मतलब मैं देखती हूँ तो लोग खाते हैं, जैसे कुछ लोग नमकीन और मीठे चावल मिक्स करके खाते हैं, मैं वो भी नहीं खा सकती, मतलब कभी नहीं मैंने खाए, मुझे बड़ा ऐसा ना अजीब सा लगता है कि कैसा टेस्ट आता है होगा, मतलब हालांकि मैंने खाई नहीं है लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा नहीं लगेगा।
तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग मतलब किस तरह से पसंद करते हैं या क्या है। तो यहाँ पर बस मेरा ये मूली का पराठा जो है वो बन गया। तो ये पराठे बनाने के लिए ये टिप है कि आप इनको ना हल्की आंच पे बनाएं, कोई भी पराठा ना उसको हल्की आंच पे बनाएं। और किसी भी वो मतलब जैसे मैं रोटी वाले जो रुमाल होते हैं ना उसकी मदद से उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे टैप करते रहें तो बड़ा अच्छा कुरकुरा सा और मज़े का बन जाता है। और आंच ऐसे मीडियम हो, यानी कि ना बहुत तेज़ हो ना बहुत कम। ज़्यादा कम होगी ना तो वो बिल्कुल अकड़ जाएगा और तेज़ होगी तो वो जल जाएगा। तो इसको बिल्कुल दरमियानी आंच में अगर आप पकाएंगे ना तो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो बस उनके लिए मैंने पराठे बना दिए। अलियान भी अपने बाबा के साथ खा रहा है और वो लोग धूप में बैठे हैं। और बस यहाँ पर मैंने ना अपने लिए बना लिया है। मैं भी बस अभी मेरे बाल बिल्कुल गीले थे तो मैंने टॉवल बांधा हुआ है और मुझे बड़ी सख्त सर्दी लग रही है। तो बस मैं जल्दी जल्दी कह रही हूँ कि मैं भी बनाऊँ और अपना नाश्ता मैं भी बाहर जा कर करूँगी। बस मैं भी अपना नाश्ता लेकर ना बाहर आ गई हूँ। ये साग पड़ा था, रात को हमने फ़िश बनाई थी ना तो सालन कोई नहीं बनाया था, तो अभी जो है ये साग पड़ा था तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ खा लेती हूँ। साथ में मैंने एक एग बना लिया, फ्राई एग, और साथ में चाय ले ली है। और धूप आज बड़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी तेज़ धूप थी तो बड़ा मज़ा आया, मतलब बाहर बैठ के नाश्ता करने का और धूप में बैठने का। आप लोग कैसे अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हैं, क्या क्या करते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तो बस मेरा तो ऐसे ही दिन, ये आप देख लें कि बस दोपहर हो गई है और नाश्ता हो रहा है, तो बस इसी तरह सारा जो है ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। इनको मैंने साथ साथ दे दिया था ना तो उन्होंने खा कर लिया अपना नाश्ता। असल में गरम गरम खाने वाले होते हैं ना, ठंडे हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं बस अब नाश्ता करूँगी और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बस नाश्ता हमारा हो गया और अभी जो है मैंने ना परसों कपड़े धोए थे तो अभी जो है कुछ कपड़े खुश्क हो गए, वो मैं अंदर रख के आई हूँ। और ये जो बेडशीट है ना अभी भी खुश्क नहीं हुई थी तो मैंने अब इसको भी धूप में अभी डाला हुआ है। तो बस अभी हम थोड़ी देर तक ना बाहर जाएंगे क्योंकि छुट्टी है ना, तो फिर अलियान को होता है कि चले बाहर जाएँ, मतलब उसको किसी पार्क वगैरह में लेके जाएंगे, कहीं और नहीं मतलब पार्क में जाएंगे। और बस ये जो कपड़े हैं मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ये सूख गए हैं 2-3 दिन के बाद। बस सर्दियों में ये बड़ा मसला होता है कि कपड़े जो है ना मतलब धो लेते हैं लेकिन उनको सुखाने में बड़ा, मतलब बार बार उनको फैलाओ फिर उतारो फिर रखो, इस तरह से बस लगे रहो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जो है मतलब दोबारा से किचन में आई हूँ क्योंकि किचन में जो है काफ़ी बर्तन जो है ना नाश्ते के वो पड़े हुए हैं, वो मैं अब धोने लगी हूँ। क्योंकि बाहर जाने से पहले ना बस मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी काम जो है ना वो पड़ा ना हो, मतलब बाकी ना रहे, जितने भी घर के काम है ना वो कंप्लीट हुए हो। तो बस अब मैं जल्दी से यहाँ पर बर्तन धो लूँगी। थोड़े से ये ज़्यादा नहीं है लेकिन ये है कि इनको मैं धोकर ही जाऊँगी। मुझे ऐसे ना बेचैनी लगी रहती है क्योंकि बस घर में कोई काम पड़ा है तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि घर से जब निकलूँ तो सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो। वैसे तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होते लेकिन जहाँ तक हो सके मतलब तो मैं काम करके ही जाऊँ।
और बस नाश्ते के बाद ज़रा ये जो बॉटल्स होती हैं या रोटी वाले रुमाल होते हैं, ये भी थोड़े ऑयल ऑयल हो जाते हैं, तो ये भी मैं ज़रूर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से ना वो बार बार आप समझ सकते हैं कि हाथ जो है ना वो लगते रहते हैं पानी की बॉटल को। और तवा जो है वो भी मैं मतलब मॉर्निंग में तो खैर ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऑयल वाली, अगर पराठे नहीं बने तो अंडा या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बन जाती है, तो वो भी मैं ज़रूर धोती हूँ। मतलब दिन में तकरीबन एक दफ़ा तो ये ज़रूर धुल जाता है। और बस आजकल जो है वो गीज़र चल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आप कह लें कि मौज ही है, मतलब बस कोला और पानी गर्म जो है ना, ये मैं इसमें थोड़ी देर के लिए सर्फ में भिगो के रख दूँगी, गर्म पानी मैंने लिया है, तो उतनी देर में मैं किचन साफ़ कर लूँगी चूल्हा वगैरह, तो उस उतनी देर में ये भी जो है ना थोड़े मतलब साफ़ हो जाएंगे, इतने गंदे तो नहीं, अभी अभी बस इनको जो मतलब ऑयल लगा है तो बस वही है। तो बस ये 5 से 5 मिनट तकरीबन मैंने इनको रखा है, तो ये बस हो गया है। तो असल में ना हमारे यहाँ पे रुमाल के बगैर अगर रोटी रखे ना तो बड़ा एक अजीब समझा जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मतलब रोटी बनाए या कुछ भी पराठा या कुछ भी हो ना, तो वो रुमाल में रखना, मतलब शुरू से शायद अपने दादी नानी इनको देखे ना तो ऐसे आदत है, तो बेशक वैसे तो मैं ऐसे करती हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ गंदा हो जाए ना तो मैं फ़ौरन धो देती हूँ, मतलब 2 मिनट लगते हैं, कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं फ़ौरन से इसको धो देती हूँ, लेकिन रखती ज़रूर हूँ। अक्सर फैमिलीज़ में ऐसा होता है ना कि मतलब वो ज़रूर ऐसा रखते हैं, वैसे तो आजकल लोग जो हैं वो कहते हैं कि प्लेट में रख लिया, टिश्यू पेपर में रख लिया, तो हमारे यहाँ ना ये बड़ा मायूब समझा जाता है कि मतलब एक प्रॉपर तरीके से रोटी जो है ना कपड़े के अंदर या कपड़े नीचे कपड़ा ज़रूर रखे, रुमाल जो होता है किचन का उसमें ज़रूर रखना रखी जाती है। तो इसके साथ मैंने रोटियां जो मतलब पराठे बनाए थे, इसको भी थोड़ा सा घी जो है लग गया था, तो मैंने कहा चलो ये भी इसके साथ ही धुल जाएगा। तो ये मेरा तकरीबन सर्दियों में तो है पराठे जो हैं ज़्यादा बनते हैं, तो डेली का ही काम आप समझ लें कि ये मेरा मॉर्निंग में होता है। बस बर्तन भी मेरे धुल गए हैं, और मुझे 10 10 मिनट लगे होंगे ये सारा काम करने में, 10 12 मिनट, तो मेरा ये काम भी जो है ना ख़त्म हो गया है। तो बस अभी मैं जो है ये जो है कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी जाऊंगी बाहर धूप में, क्योंकि बाल जो मेरे अभी भी गीले हैं, मैं थोड़ी देर धूप में बैठूंगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग जो है ना बाहर जाएंगे। तो अब बाहर जाके ना मुझे ये सुकून रहेगा कि मतलब काम कोई नहीं है घर पे, बस अब आएंगे तो बस रात का जो खाना है वो ही बनाना है, तो किचन साफ़ हो ना तो फिर मतलब मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है, मतलब खाना बनाना भी अच्छा लगता है, सारे काम करना अच्छे लगते हैं किचन में, अगर आते किचन को गंदा देखें ना तो और ऐसे बुरी हालत हो जाती है। और बस ये देखें चूल्हा भी साफ़ हो गया, और ये रुमाल जो है मैंने इधर ही डाल दिए, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे तो फिर वो बाहर पड़े रहेंगे, तो मैंने कहा इसको इधर ही ये खुश्क हो जाएंगे जब चूल्हा वगैरह जलेगा। तो बस फर्श भी मैंने जो है साफ़ कर दिया, क्योंकि रोटी जब बनाए तो फिर आटा गिर ही जाता है। तो बस अब मैं अपना हेयर ब्रश लूँगी और बाहर जाके बैठ के धूप में जो है अपने बाल जो है ना खुश्क कर लूँगी, और अभी फ़िलहाल जो है मेरे सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी, वैसे तो मैंने आगे व्लॉग बनाया हुआ है लेकिन उसको मैं इसके साथ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपसे इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर
ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।